फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली जन्माष्टमी स्पेशल। तो ये जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू है सूजी के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और अब हम डालेंगे मखाना। यहाँ मैंने 2 कटोरी मखाना ले लिया है। अब इसको हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने जो गैस को है वो स्लो कर दिया है और इसको हम और दो से तीन मिनट इसको हम स्लो गैस पे पका लेंगे, जिससे क्या होगा, इसमें जो मॉइस्चर रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो अच्छे से बन गए हैं, देखो। तो अभी हम करते हैं गैस को बंद और इसको 1 मिनट तक हम खाली ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। तो हमारे जो मखाने हैं वो ठंडे हो चुके हैं, देखो तुरंत ही टूट रहे। तो अभी हम लेंगे मिक्सर का जार और इसमें डाल देंगे और अभी हम इसको मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने मखाने को जो है अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये देखो पूरा मैदा जैसा भी नहीं है, दरदरा ही मैंने रखा है इसको। तो अब इसको रखते हैं हम साइड पे और अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो हमने जो मखाना सेके थे वही कढ़ाई हमने ली है। तो यहाँ मैंने ले ली है बारीक सूजी और इसको 1 कटोरी ली है और इसको अभी हम अच्छे से भून लेंगे। तो जो हमारी जो सूजी है उसमें से अच्छे से खुशबू आना शुरू हो गई है। तो फिर हमने जो मखाना अभी पीस के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। यहाँ मैंने गैस को जो है स्लो ही रखा है। तो यहाँ 1 मिनट हो चुके हैं और अभी हम डालेंगे घी। तो यह मैंने 1 कटोरी घी ली है, पर यह हम पूरा नहीं डालेंगे। अभी तो मैं इसमें 4 चम्मच ही ऐड करूँगी। अब इसको हम घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे घी कम लग रहा है तो मैं इसमें और 2 चम्मच ऐड कर दूंगी। हमने घी डाला था तो ये अच्छे से हमारा मिश्रण जो है वो पक चुका है और इसमें से खुशबू भी है जो बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमने यहाँ फ्रेश मलाई ली थी तो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी शक्कर डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने चीनी डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम वही कटोरी से इसमें 2 से 2.5 कटोरी हम दूध डाल देंगे। मैंने 2 कटोरी अभी के लिए ले ली है, अगर मुझे कम लगा तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसी चार समय हमें इलायची डाल देना है। तो हमारी जो सूजी है वो अच्छे से पक गई है। हमने जो दूध डाला था वो भी ऑब्जर्व हो चुका है और हमारी जो सूजी है वो कढ़ाई भी छोड़ रही है। अभी आप देख सकते हो, साइड पे रखते हैं। पैन ले लिया है और जो हमारा जो घी इतना बच गया है तो इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है तो अभी हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट। यहाँ मैंने काजू, बादाम और पिस्ता ले लिए हैं। यहाँ मैंने एक अंजीर का टुकड़ा ले लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने 2 खजूर ले लिए थे, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ मैंने फ्रेश नारियल का जो है मुरादा, मैंने इसको ग्रीस कर लिया था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसका थोड़ा सा जो कच्चापन जैसा रहता है वो निकल जाएगा। अब हम डाल देंगे किशमिश, ले लिए थोड़ी सी, ये हम पहले ही ऐड करते तो हमारी जो खसखस है वो जल जाती, इसलिए इसको हमने अभी इस्तेमाल किया है। अभी इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ ले लिए और यहाँ मैंने गैस को जो कर दिया है स्लो। अभी हमारा जो ये मेवा है इसमें हम ऐड कर देंगे भुना हुआ। अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे। इसको बंद और इसको अभी हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। यह हमें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं हमारा मिश्रण ठंडा करने में, और थोड़ा गर्म ही है तभी हम इसके बनाएंगे लड्डू। तो फ्रेंड्स, ये जन्माष्टमी स्पेशल के लड्डू रेडी हो चुके हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।